खबर की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना काल में हजारों लोग आर्थिक रूप से प्रभावित हुए, लेकिन इन लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए भी कई हाथ आगे बढ़े। भोपाल में व्यापारियों और उद्योगपतियों की संस्था कॉम्पिस्ट ने भी कोरोना काल में कई परिवारों की मदद कर अपना सामाजिक दायित्व निभाया। एक रिपोर्ट देखते हैं। भोपाल के संत हिरदाराम नगर में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सीधी मदद के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मध्य प्रदेश में उद्योग एवं व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रयासरत व्यापारियों और उद्योगपतियों की संस्था कन्फेडरेशन ऑफ एमपी फॉर इंडस्ट्री सर्विस एंड ट्रेड यानी कॉम्पिस्ट की ओर से दरिद्र नारायण सेवा अभियान चलाया गया। इसके तहत संत हिरदाराम नगर क्षेत्र के निर्धन वर्ग के करीब 250 से 300 लोगों को कच्चा राशन के पैकेट वितरित किए गए। संस्था के अध्यक्ष गोविंद गोयल ने इस मौके पर मौजूद लोगों को संस्था के उद्देश्य बताए। रामेश्वर शर्मा जी आप यहाँ के विधायक हैं और भोपाल प्रदेश की राजधानी, आपका बड़ा महत्व है कि जो सेवा है कॉम्पिस्ट के द्वारा, इसमें हम बहनों आपको नमक दिया जाएगा, लाल मिर्ची हल्दी धनिया सबसे अच्छा दिया जाएगा जो आज तक आपने वापरा नहीं होगा, तेल दिया जाएगा आपको, आटा दिया जाएगा, 30 पैकेट बिस्कुट के बच्चों के लिए दिए जाएंगे, ऐसी सब चीजें आपको दी जा रही है, एक किट और आटे का 5 किलो भी दिया जा रहा है। ये सब आपको इसलिए दिया जा रहा है कि रामेश्वर जी और ये मंच पे बैठे सभी की इच्छा है कि आपके घर में जो चीज की कमी हो वो पहुंच जाए। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्र के विधायक रामेश्वर शर्मा मौजूद रहे, जिन्होंने संस्था के प्रयासों की जमकर सराहना की। भोपाल की प्रसिद्ध व्यावसायिक संस्था कॉम्पैक्ट और कीड़ाई मुस्कान क्लब और हमारे नेता गोविंद गोयल जी और उनके साथियों द्वारा यहाँ पर नर सेवा नारायण सेवा के मंत्र को लेकर आप सबके बीच में आए हैं। कुछ है, फल प्रसाद के रूप में आपको दिया जा रहा है, ऐसा नहीं मान रहे हम देने वाले और आपके एक दूसरे के बीच में हम सब परस्पर एक दूसरे के भाई बंधु हैं। इस संकट के समय में हम एक दूसरे की मदद के लिए सदैव तैयार रहे, कोविड की गाइडलाइन को पालन करते हुए लोगों का जन जागृति करें और अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए 2 गज दूरी मास्क जरूरी इस मंत्र को सदैव ध्यान में रखें। मैं आप सबकी ओर से सभी का हृदय से धन्यवाद देता हूं। व्यापारी और उद्योगपतियों की एक बड़ी संस्था है कॉम्पिस्ट, जिसके माध्यम से हमारा एक ही प्रयास है कि मध्य प्रदेश में व्यापार उद्योग बढ़े। लेकिन साथियों एक बात और बताऊं कि हम टैक्स भी पूरा भरते हैं, इनकम टैक्स भरते हैं, GST भरते हैं, सरकार के हम नियम हर नियम से बंधे हुए हैं, उसके बावजूद भी हम लोग पूरा प्रयास करते हैं किसी भी तरीके से जरूरतमंदों की सेवा हो। आज हमारी संस्था द्वारा 250 से 300 लोगों को एक किट प्रदान किया जा रहा है, इसकी कीमत लगभग 425 रुपये है। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद है कि जरूरतमंद लोगों को जरूरत का सामान मिले। कॉम्पिस्ट संस्था भोपाल के अलग अलग इलाकों में इसी तरह के आयोजन करेगी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। वाकई कोरोना काल में कॉम्पिस्ट जैसे संगठनों ने आम लोगों की मदद कर मानवता को जीवित रखा है। वीडियो जर्नलिस्ट गुलजार अहमद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DNN न्यूज़।